गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल मैं हूँ अयोध्या नगरी, श्री राम जी की जन्मभूमि। तो आज हमारी जर्नी होने वाली है भारत की पहली अमृत भारत वंदे साधारण ट्रेन, और ये गाड़ी बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वंदे भारत जैसी प्रीमियम लग्जरी ट्रेन देखी होगी, और उस गाड़ी में जिन लोगों ने ट्रैवल किया है और जो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि कहते थे कि इस गाड़ी का किराया बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट मोदी जी ने एक नई गाड़ी को लॉन्च किया है जो कि है अमृत भारत वंदे साधारण। सो अभी हमें सर मिले हैं, सर से पूछते हैं। सर आप बताइए, वंदे साधारण गाड़ी आपको कैसी लगी उसके बारे में? वंदे साधारण गाड़ी है और हम भी इस पर ट्रेवल करेंगे, और हमें लगता है कि इस पर इंडिया का हर आदमी ट्रेवल करना चाहेगा। बिल्कुल, हर आदमी ट्रेवल करना चाहेगा क्योंकि ये आम जनता की गाड़ी है। तो गाइस हमें मिल गया है पास, और अभी हमें मिलेगी एंट्री। तो गाइस हमें पास मिल चुका है, तो एंट्री लेते हैं और जल्दी से आपको गाड़ी दिखाते हैं चल के। भाई मेरे से सबर नहीं हो रहा है, अब तो भाई गाड़ी देखनी है और आपको दिखानी है और जर्नी करनी है। आज हमारी पहली गाड़ी में फर्स्ट जर्नी होने वाली है। ये रहा हमारा पास और ये रही हमारी गाड़ी, आम जनता की वंदे भारत वंदे साधारण एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि बहुत अच्छी तरह से सजा दी गई। और इसका कलर देखिए गाइस, सैफ्रोन कलर, भगवा कलर, बहुत ही खूबसूरत। और कहाँ से चल रही भाई? अयोध्या नगरी, श्री राम जी की जन्मभूमि, जहाँ पे बन रहा है भव्य मंदिर, वहाँ से ये गाड़ी चल रही है दरभंगा के लिए। सो गाइस फाइनली हम आ चुके अंदर, और अभी देख सकते हो बैक साइड में खड़ी है भाई अमृत भारत ट्रेन, जिसको देखने के लिए भाई कब से बेताब था मैं, कब से बेताब था, और इसमें जर्नी करने के लिए भाई मैं कब से पागल था। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी अमृत भारत वंदे साधारण है, साधारण लोगों के लिए है, जो आम जनता है उनके लिए ये वंदे भारत से कम नहीं है। सो गाइस अभी आप गाड़ी देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है भाई, भगवा कलर की गाड़ी है, और इस तरह से फूल मालाओं से इसको सजा दिया गया है। कुछ इस तरह से ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपको पुश पुल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो कोचों को इस तरह से जोड़ा गया है, ताकि जब आप अंदर से बैठोगे आपको बाहर से मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखा गया। जिस तरह से वंदे भारत दो कोच आपस में जुड़े होते हैं, उसी तरह से ये भी देखो जुड़ा हुआ है। सो गाइस अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अमृत भारत वंदे साधारण का इंटीरियर। तो चलिए आपको वंदे साधारण का इंटीरियर दिखाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर होते हो, तो सबसे पहले आपको मिल जाता है बड़ा सा मिरर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉश स्टेशन, जहाँ पर आपको प्रेस करने पर यहाँ पर पानी आएगा, और ये है लिक्विड सोप। कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे मिल जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको ओल्ड शताब्दी डिजाइन का टॉयलेट, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हो भाई। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको सेम वॉश स्टेशन मिल जाएगा, और प्रेस करोगे और यहाँ पर पानी आएगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि लाइक पानी चला जाएगा, गंदा नहीं रहेगा और भरा हुआ पानी नहीं रहेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्मोक अलार्म इंडिकेटर। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि भाई आते हैं और सिगरेट पीते हैं टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट में आके सिगरेट नहीं पी सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो सिगरेट पियेंगे अलार्म बज जाएगा और गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी और वो पकड़े जाएंगे, जुर्माना दिया जाएगा। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाता है, बट अगर आपको इंडियन पसंद है तो आपको इस साइड में इंडियन टॉयलेट मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई यहाँ का इंटीरियर, सीट्स का इंटीरियर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड एसी इकोनॉमिक का जैसा इंटीरियर होता है, जैसा उसका इंटीरियर होता है, वैसा ही सेम इसका इंटीरियर रखा गया। स्लीपर कोच कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से सीटें हैं, मतलब सीटों का कलर देख सकते हो बहुत खूबसूरत है, सेम जैसा जर्नल में है वैसा यहाँ पर है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आप अगर आप सीट की बात करो तो सीट भी सेम है, और साथ में मतलब बहुत सारी फैसिलिटी इसमें दी गई है। आप लोगों ने अक्सर गाड़ियों में देखा होगा कि भाई 6 लोगों की सीट होती है, चार्जिंग सॉकेट बहुत कम होते हैं। इस चीज को गवर्नमेंट ने ध्यान रखते हुए, इंडियन रेलवे ने ध्यान रखते हुए यहाँ पे 1 सॉकेट, 2, 3, 4, 5, 6 सॉकेट, मतलब 6 सीट है तो 6 चार्जिंग सॉकेट दिए हैं। और ये है देखो मोबाइल होल्डर, साथ में ये भी दिया गया। और भाई वाटर बॉटल होल्डर कौन देता है, देख रहे हो, ये भी दिया है भाई। और यहाँ पर खाना खाने की टेबल, तो गाइस हमारी गाड़ी ने यहाँ से डिपार्चर ले लिया है, अभी गाड़ी जा रही है भाई आगे। सो गाइस अभी हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है अयोध्या कैंट से, और अभी हमारी गाड़ी चल रही है अयोध्या जंक्शन के लिए। तो
जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसमें बोर्ड हैं, रेलवे अधिकारी इसमें बोर्ड हैं, उनको सबको यहाँ से बोर्ड किया गया और ये गाड़ी जाएगी अयोध्या जंक्शन और वहाँ से मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे और वहाँ से ये गाड़ी इनॉग्रेट होगी। ये पुष्पोल टेक्नोलॉजी का लोको हमारा जाएगा रिपेयरिंग में। सो ये भी वेब पाइप अपना पुष्पोल के लिए काम कर सकता है और गाड़ी की लिवरी से मैच करते हुए इस लोकोमोटिव को बनाया गया है। ये भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो गाइस अभी आप हमारी गाड़ी की स्पीड देख सकते हो, भाई क्या स्पीड में गाड़ी चल रही है और सीधा पहुंच रही है भाई जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन। कुछ इस तरह से गाड़ी की स्पीड है गाइस। यहाँ के आप ग्राउंड फ्लोर देख सकते हो, ग्राउंड फ्लोर में ये एक अलग तरह से पट्टी बनाई गई है जो कि मतलब इस तरह से आप चल के आओगे बहुत ही अलग है और यहाँ पे मतलब बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। इसमें टोटल आपको भाई 12 स्लीपर के कोच मिलने वाले हैं, 8 जनरल के कोच मिलने वाले हैं, 2 SLR के कोच मिलने वाले हैं और 2 वेब 5 के लोकोमोटिव मिलेंगे जो कि पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ में चलने वाले हैं। यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटीरियर है जहाँ पर आपको फैन भी मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी सीट इंडिकेटर बोर्ड भी मिल जाएगा। गाड़ी में आपको इस साइड में डस्टबिन भी मिल जाएगा। बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये गाड़ी आपकी है, आपको गंदा नहीं करना है। इस गाड़ी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमेशा जितनी भी गाड़ी चलती है उसमें स्लीपर जनरल के कोच बहुत गंदे होते हैं और इस गाड़ी में तो स्लीपर और जनरल के ही कोच है। तो ये आप ही का काम बनेगा कि इस गाड़ी को गंदा ना करें, इस गाड़ी को साफ रखें। Listen track sound. फर्स्ट राइड हो रही है गाड़ी की और उसके कुछ इस तरह से चल रही गाइस और अंदर क्या स्टेबिलिटी देख सकते हो गाड़ी की, भाई गाड़ी की स्टेबिलिटी देख सकते हो, गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से हम आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे। देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कैमरा, जैसे आपको वंदे भारत में कैमरा मिलता है एंटर करते ही आपको इस साइड में भी कैमरा मिलेगा, उस साइड में भी कैमरा मिलेगा, यहाँ पर भी कैमरा मिलेंगे भाई। 3 तो आपको एंट्रेंस पे कैमरे मिल जाएंगे और जब आप अंदर आओगे तो वैसे सेम आपको फिर कैमरा मिलेगा। और यहाँ पे भाई ये कौन देता है भाई, इसमें आपको टोटल गाड़ियों की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, इनफैक्ट जो स्टेशन आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और साथ में इसमें आपको इसकी स्पीड भी, गाड़ी की क्या स्पीड चल रही वो भी बताया जाएगा। हम पहले हैं जो कि इस गाड़ी में राइड कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी आपने YouTube पे वीडियो देखी होंगी, या तो गाड़ी खड़ी है तब आपको दिखा रहे हैं, या तो गाड़ी अराइवल हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है तब आपको दिखा रहे हैं। हम फर्स्ट हैं जो कि इसमें जर्नी करते हुए आपको दिखा रहे हैं। तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है और कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट भर दो इस गाड़ी के बारे में। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी की, जो कि हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो आगे वक्त बताएगा। तो भाई अभी आप सीन देख सकते हो कि इस तरह से ये गाड़ी चल रही है और कुछ इस तरह से हम इसमें जर्नी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी की राइड को एंजॉय कर रहे हैं। आप फॉगी मौसम देख सकते हो अयोध्या नगरी में हमें। अभी गाइस अभी कर्व देखिए, क्या सुंदर कर्व है गाइस, वंदे साधारण अमृत भारत का कर्व। इस तरह से कुछ फूल मालाओं से इस गाड़ी को सजाया गया है और ये गाड़ी पहुंच रही है जंक्शन, अयोध्या जंक्शन। कुछ इस तरह की है आपकी अयोध्या नगरी, हमारी अयोध्या नगरी, और ये रास्ता सीधा जाता है आगे राम पथ के लिए। कुछ इस तरह से इस रास्ते को सजाया गया। आज है मोदी जी का रोड शो जो कि भाई अयोध्या जंक्शन साइड में होगा और जहां पर हमारी गाड़ी पहुंच रही है। लोगों का एक्साइटमेंट देख सकते हो भाई, बिल्डिंग से देख रहे हो, पुलिस ऑफिसर हैं ये सारे लोग, वीडियो बना रहे हैं देख रहे हैं। इस साइड में देख सकते हो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी खुद रेलवे स्टेशन पे हैं और इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाने वाले हैं।
तो अभी एंट्री हो रही है हमारी गाड़ी की अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हमारी गाड़ी का अराइवल हो रहा है। देख सकते हो किस तरह से मौसम ने अपना मतलब रुख बदला है और इतना ठंडा मौसम है और इस टाइम हमारी गाड़ी पहुंच रही है आगे और इस टाइम पर ये पूरा स्टेशन खाली है। यहाँ पर कोई भी पर्सन आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि नया बना है और आज इसका उद्घाटन होने वाला है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि कुछ इस तरह से है। हमें नहीं पता नीचे उतरने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर पूछेंगे और अगर उतरने दिया जाएगा तो हम नीचे उतरेंगे वरना नहीं उतरेंगे। देख सकते हो किस तरह से कारपेट बिछा दिए गए और हमारी गाड़ी तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाने वाले हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके ज़रिए इस गाड़ी का इनॉग्रल होगा। आज दो गाड़ियाँ चल रही, एक वंदे भारत दूसरी वंदे साधारण अमृत भारत जो कि मेरे पीछे खड़ी है आप देख सकते। तो गाइस यहाँ पर पेश है वेब 5 का लोकोमोटिव जो कि गाजियाबाद का डिज़ाइन किया गया है जो कि इस गाड़ी को पुशपुल करता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये लोकोमोटिव डिज़ाइन किया गया था और हम इसी को देखने आए थे भाई क्या लोकोमोटिव है। और यहाँ पर अमृत भारत और गाड़ी संख्या 05558। तो गाइस ये था इस वीडियो का पहला पार्ट जिसमें हमने कोशिश की थी कि लाइक गाड़ी का पूरा इंटीरियर दिखा दें। अभी तक हमने स्लीपर कोच तो दिखा दिया, जनरल कोच बाकी है वो हम दिखाएंगे आपको सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट हम इतना ही बनाना चाहते थे कि लाइक पहले पार्ट में पूरा इंटीरियर कवर करना चाहते थे, क्योंकि अगर हमने जर्नी और इंटीरियर कवर कर दिया तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट पार्ट में आपको इंटीरियर दिखा देते हैं और इस वीडियो को यहीं पर ऑफ करते हैं। जर्नी देखने के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि जर्नी हमारी यहीं से स्टार्ट होगी भाई। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से ही जर्नी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि इनॉग्रल यहाँ से हो रहे हैं दरभंगा के लिए। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।